आइए हम आपको आप घर बैठे आधार कार्ड पीवीटी ऑनलाइन कैसे करते हैं। तो आइए ओनली odai.com एंड odai.government.in पर लॉगिन करें और इसमें ओनली 50 रुपये में डिलीवरी ऑर्डर करें। घर बैठे इसको आधार कार्ड पीवीटी ऑर्डर कर सकते हो। हेलो दोस्तों, अगर हमारे चैनल में आप नए हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिससे हर नोटिफिकेशन अब तक और हर फॉर्म की जानकारी अब तक और हर जानकारी घर बैठे अब तक मिल सके। तो मैं अपनी वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। पेमेंट मोड एंड पेमेंट लिस्ट सब कुछ आपको दिखाया जाएगा। कंटिन्यू करते हैं मैं अपनी वीडियो को और पूरी वीडियो देखें जिससे आपको पूरी जानकारी मिले और आप घर बैठे आधार कार्ड पीवीटी ऑर्डर कर सकते हो। तो चलिए हम पीवीटी कार्ड ऑनलाइन आधार कार्ड में ऑर्डर में क्लिक करते हैं। देखते जाइए स्क्रीन पर कि कहाँ मैं क्लिक करता हूँ कहाँ नहीं करता हूँ। आधार कार्ड पीवीटी में क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ सामने फिर आधार कार्ड लॉगिन करने के लिए मांगा जाएगा क्यूआर कोड, स्कैनर क्यूआर कोड, होलोग्राम, कुछ जानकारी होती हैं जिससे आप पढ़ लें और जो 50 रुपी सिर्फ और सिर्फ 50 रुपीज़ का ऑर्डर फी लगता है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आधार कार्ड मांगा जा रहा है, उसका नंबर भरा जाएगा, वेरी कैप्चर कोड भरा जाएगा और वोटर आईडी से भी यहाँ आधार कार्ड डाउनलोड किया जाता है। ई आई डी से भी किया जाता है और कैप्चर फिल किया जाता है, तभी सेंड ओटीपी में क्लिक करेंगे तो एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आएगा। तो चलिए हम कर लेते हैं। आधार कार्ड से के नंबर से अपन इसको डाउनलोड करेंगे। देख सकते हैं सेंड ओटीपी लिखा हुआ है। सेंड ओटीपी में क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट पेज में आप पहुंच जाओगे। पहले यहाँ पे आधार कार्ड और कैप्चर भरने के बाद माई मोबाइल नंबर पर नॉट रजिस्टर्ड, आपको मोबाइल नंबर रजिस्टर नहीं है तो यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर रजिस्टर करना चाहते हो वो नंबर यहाँ पर डाल सकते हो और सेंड ओटीपी में क्लिक कर सकते हो जिससे आपको ओटीपी की प्राप्त हो जाएगा। सेंड ओटीपी में क्लिक करूँगे तो आगे की जानकारी मैं बताता हूँ। पहले आप अच्छे से पढ़ लें कि क्या क्या मांगा जा रहा है। सेंड ओटीपी में मैं क्लिक करता हूँ और ओटीपी सेंड टू योर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इन क्लिक योर मोबाइल, वो नंबर में यहाँ पे मैंने जानकारी फिल करने के बाद ओटीपी फिल कर दिया है और ओटीपी आने वाला है मेरे में। ओटीपी सबमिट कर दिया है। ओटीपी सबमिट करते हैं। वेट, आपका आधार कार्ड आपके फ्रंट पेज है, जानकारी दी जाएगी, रिव्यू आधार कार्ड क्या आपका आधार कार्ड फोटो एड्रेस मैच कर सकते हो। वेरिफिकेशन यूर आधार कार्ड डिटेल्स आप देख सकते हैं कि सही सही है या नहीं, पिक फोटो आपकी लगी हुई है या नहीं, कैप्चर स्कैनर क्यूआर कोड स्कैनर दिया जाएगा, इसी को डिजिटल आधार कार्ड कहा जाता है। और आप अपनी जानकारी देख सकते हैं यहाँ पे कि आपका प्रीव्यू कैसा होगा डाउनलोड करने के बाद। मेक पेमेंट में आप क्लिक करोगे तो पेमेंट मोड में इसका वेरिफिकेशन जो पीवीटी आप करना चाहते हैं वो पेमेंट का एक न्यू पेज ओपन होगा।
चलिए मैं उस पर क्लिक कर दिया है मैंने, तो नेटवर्क स्लो होने के कारण तो स्लो चल रहा है। यहाँ पे क्योश पेमेंट, क्या आप किस मोड से आप पेमेंट करना चाहते हैं, नेट बैंकिंग से, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, या यूआईडी यूपीआई से, गूगल पे से करना चाहते हो, फोन पे करना चाहते हो, भीम से करना चाहते हो, पेटीएम से करना चाहते हो, अदर ऐप बैंक वेबसाइट से करना चाहते हो, तो यहाँ पे गूगल पे करोगे तो यहाँ पे अपना यूपीआई नंबर डालना पड़ेगा। फ़ोन पे करना चाहते हो तो यहाँ पे यूपीआई नंबर और वेरिफिकेशन के लिए करना ज़रूरी होता है, तो हमें यहाँ पे वेरिफिकेशन करना करना है। वेरिफिकेशन में क्लिक करोगे तो आपका जो अकाउंट धारक है उसका नाम आ जाएगा, देखिए नाम आ चुका है, और यहाँ पे प्रोसीड में क्लिक करेंगे। 50 रुपीज़ की एक रिक्वेस्ट आएगी आपके फ़ोन पे में, आपकी जहाँ आप फ़ोन पे चलाते हैं मोबाइल में, वहाँ पे आपकी एक रिक्वेस्ट आ रही है, 5 मिनट के अंदर इसको पे करना पड़ता है। यहाँ देखिए यहाँ पे करने के ऑप्शन आ रहा है हमारे मोबाइल में, आपको स्क्रीन में दिखाया जा रहा है रिक्वेस्ट पे एंड पे करेंगे देखेंगे तो यहाँ पे पेमेंट मोड हो जाएगी। चलिए हम कर देते हैं, पेमेंट प्रोसेस हो रही है। अब यहाँ पे आपकी ट्रांसफ़र सक्सेसफुल लिखा हुआ है, सितंबर आपको 26 दिसंबर 2020 को मैंने पे किया था, आप देख सकते हो। रिक्वेस्ट आईडी कौन सी है, क्लिक स्टेटस भी देख सकते हो, डाउनलोड पेमेंट रिसीव्ड देख सकते हो, यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड प्रोसेस हो रही है, मैंने क्लिक कर दिया है पहले, आप देख सकते हैं डाउनलोड सेल्फ डाउनलोड हो चुकी है। यहाँ पर सर्विस नंबर SER नंबर आ गया, रिक्वेस्ट नंबर आ गया, ट्रांसफ़र आईडी आ गया, पे मोड है, कितना पैसा पे किया गया है, यहाँ पूरी जानकारी आपकी स्लिप के माध्यम से आधार कार्ड प्रयोग करता है आपको उपलब्ध सभी जानकारी देता है, और यहाँ पे GST नंबर सब दिया जाता है, क्लिक स्टेटस भी देख सकते हैं, आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे अपना आधार कार्ड नंबर स्टेटस नंबर डाल सके आप अपना देख सकते हो कि मेरा पेमेंट हो गया है नहीं हुआ है सक्सेसफुल है, कैप्चा भरा जाता है, कैप्चा भरना ज़रूरी होता है और कैप्चा सही सही भरें। देखिए मैंने यहाँ क्लिक किया तो अपना पेमेंट मोड सक्सेसफुल हो चुका है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद हो आई होगी, लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। ऑनलाइन टेस्ट सर्विस है आपका स्वागत है दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, लाइक कर दें और कमेंट में ज़रूर बताएं कि हम कैसे किस तरह की आपकी हेल्प कर सकता हूँ। थैंक यू।